रतगढ़ वाली माँ की कृपा है अनोखी। भक्तों को सांप बिच्छू के जहर का नहीं है डर, सिर्फ मिट्टी लगाने पर शरीर से निकल जाता है जहर। यूं तो माँ का हर धाम चमत्कारी है, लेकिन मध्य प्रदेश की रतनगढ़ वाली माँ की बात भी निराली है, क्योंकि यहाँ जो चमत्कार होता है उस पर यकीन करना मुश्किल है। ये तो सभी जानते हैं कि सांप बिच्छू जैसे जहरीले जानवर के काटने से इंसान का बचना मुश्किल होता है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं होगा जिन्होंने माँ के सामने शीश नवाया हो। मध्य प्रदेश के दतिया से 55 किलोमीटर दूर स्थापित रतनगढ़ वाली माता का ये मंदिर स्थापित है। आपको बता दें कि जो भक्त यहाँ एक बार आता है उस पर फिर कभी किसी जहर का असर नहीं होता। इसके बावजूद अगर किसी जहरीले जीव ने काट लिया हो तो सिर्फ रतनगढ़ वाली माता और कुंवर महाराज का नाम लेते हुए शरीर पर मिट्टी भभूत के रूप में लगाने से उस विष का असर खत्म हो जाता है। मान्यता है कि इसके बाद कोई भी इलाज चिकित्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। माँ रतनगढ़ वाली के भक्त कहते हैं कि माँ की कृपा से रोगी को काल छू भी नहीं सकता, लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि आने वाली दीपावली के दूसरे दिन भाई दूज को रोगी को और अगर पशु रोगी है तो उनकी शांकर यानी कि जिस रस्सी से पशुओं को बांधा जाता है को माँ रतनगढ़ वाली दरबार में दर्शन को लाएं। माँ रतनगढ़ वाली और कुंवर महाराज के दर्शन करने के बाद रोगी का बंध खुल जाता है। तो वही माँ रतनगढ़ वाली माता की कथा कुछ ऐसी है कि मुगलों से युद्ध के दौरान शिवाजी विंध्याचल के जंगलों में भूखे प्यासे भटक रहे थे। तभी कोई कन्या उन्हें थाली में भोजन लेकर आई और जब शिवाजी ने अपने गुरु स्वामी रामदास से उस कन्या के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि वो कोई सामान्य कन्या नहीं बल्कि साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा है। माँ का एक ऐसा ही अद्भुत मंदिर है रतनगढ़ वाली माता का मंदिर। कहा जाता है कि मंदिर की मिट्टी इतनी पवित्र है कि इसे चाटने भर से रोगी ठीक हो जाता है। इसके अलावा माता का ये मंदिर अन्य कई अविस्मरणीय चीजों से भरा हुआ है। आपको बता दें कि किसानों के अलावा जो पशु बीमार होते हैं उनका भी इलाज इस मंदिर में होता है। स्थानीय लोगों के अनुसार दीपावली के बाद पड़ने वाले भाई दूज के दिन अगर पशु को बांधने वाली रस्सी देवी माँ के पास रखी जाए, इसके बाद उस रस्सी से दोबारा पशु को बांधा जाए तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।